कृषकों से मोटी कमाई करने वाले बीज भंडार का एक ऐसा सच सामने आया है, जब विभाग के अधिकारियों ने कुछ गोदामों पर दबिश दी तो अवैध तरीके से बीज की पैकिंग होना पाया गया। जहां 12x12 के गोदाम में बड़ी कंपनियों के तर्ज पर बीज के पैकेट तैयार किए जा रहे थे। मामला खरगोन जिले के बड़वा स्थित काटकुट फाटे का बताया जा रहा है। खरगोन जिले के बड़वा स्थित काटकुट फाटे और ग्राम मनिहार के दो गोदामों को उद्यानिक विभाग ने कार्यवाही कर सील किए, जहां बड़वा के सदाबहार बीज भंडार के संचालक इरफान मेमन और इमरान मेमन द्वारा अवैध रूप से स्टार फील्ड कंपनी के बीज की पैकिंग की जा रही थी, जिसकी सूचना पर बड़वा SDM मिलिंद ढोके ने विभाग को सूचना देकर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। इस कार्यवाही में अधिकारियों को दोनों खेत स्थित गोदामों में करीब 3 करोड़ रुपये का बीज के साथ ही अधिक मात्रा में पैकिंग मशीन, बीज के रेपर, स्टिकर सहित अन्य सामग्री मिली है। आपको बता दें कि अधिकारियों द्वारा इन सामग्री को जब्त कर कार्यवाही हेतु दोनों गोदामों को सील कर पंचनामा बनाया गया है। प्रबुद्ध हो गया की रिपोर्ट। नाम है भैया आपका? गोविंद। कहाँ रहते हैं? पेनपाड़ा। ये खेत में आपने साजे से लिया है? हाँ, ठेके से लिया है। आपने लिया? हाँ। किन से लिया है? ये वकील साहब से। क्या नाम है? बीयू शेख। कहाँ रहते हैं? बड़वा। अच्छा, ये कब से ले रखा आपने? इसको 5-6 साल हो गए। आपके पास लिखा पड़ी है इसके साजे? वो वकील साहब से पूछना पड़ेगा क्या है। अच्छा, तो आपने आइडिया नहीं मेरे को। अभी खेत में क्या बो रखा है? अभी ये मिर्ची लगी है सर। ये आज जो कार्रवाई चल रही है विभाग की, ये क्या आपके पूछ के किया गया या रखना करना? गोडाउन मेरे से पूछ के लिया था, उसमें क्या क्या रखा है इसका मेरे को जानकारी नहीं। चाबी उनके पास रहती थी। किन के पास? ये सुमेर भाई है। अच्छा, ये कौन है सुमेर भाई? ये कंपनी वाले ही है। क्या नाम है आपका? सुमेर गुर्जर। ये जो बीज कंपनी का क्या काम देखते हैं? स्टार फील्ड क्राफ्ट साइंस से हूँ और मेरा मिर्च का काम है। तो मैंने जो है यहाँ पे इंदौर जो है रेड जोन होने के कारण मैं माल यहीं पे मैंने रख दिया और मैं माल वितरण इसी ज़िले में कर रहा हूँ। हॉर्टिकल्चर विभाग ने जो बोल रखा है कि आप मतलब सिटी में नहीं बोल सकोगे, मतलब ये कर सकोगे, बाहर कहीं पे भी रख के ना माल गांव में जो दुकान लगाएंगे जो ये व्यापारी लोग उनको माल दे सकते हो। ये सदाबहार बीज भंडार वाले क्या है आपके? ये C&F दे रखी है स्टार फील्ड क्राफ्ट साइंस ने। अच्छा, तो ये जो खुला पैकिंग होकर यहाँ कार्य चल रहा था आपके नॉलेज में था? नहीं, मेरे नॉलेज में कुछ नहीं था। ये किनके द्वारा किया जा रहा? ये मैंने तो आज देखे, बाकी मेरे को कुछ नहीं मालूम। मेरा तो जो माल रखा था मैं डिस्पैचिंग करता हूँ यहाँ से। सर बताएं, ये जो खेत में नकली बीज की कार्रवाई हुई है किसके आदेश पर? SDM साहब ने बताया था कि कुछ उनको शिकायत मिली थी, उसी आधार पर हमने आदेशित किया था। तो उस आधार पर हमने संयुक्त रूप से हम लोग आए हैं यहाँ पे। कसरावद SHDO है, खरगोन SHDO है ना, और मैं भी आया हूँ यहाँ पे। तो उस प्रकार से हमने फिर यहाँ शिकायत के आधार पर हमने यहाँ पर देखा तो अंदर गोडाउन के अंदर कुछ एक्सपायरी डेट के बीज वगैरह थे, है ना। उनमें कुछ एक्सपायरी डेट के जो पैक थे वो काटे हुए थे, है ना। तो जो इससे ये लग रहा था कि बीच दूसरी पैकिंग कर रहे थे ये लोग, रीपैकिंग का काम चल रहा है। रीपैकिंग क्योंकि हम लोग इसे स्टिकर वगैरह। कितने करोड़ का माल निकला सर यहाँ पे जांच में? ये यहाँ पर ये 2,70,00,000 के समथिंग का। सर इस प्रकार की कार्रवाई कल भी हुई थी मनिहार ग्राम में, वहाँ कोई किसका था ये सर? यहाँ मनिहार में था कुछ इमरान मेनन करके थे, है ना। तो इनके यहाँ पे भी हमने इस प्रकार से कल देखा था, तो वहाँ पर भी इस प्रकार से सीट की पैकिंग वगैरह। वहाँ कितने लाख का माल मिला था? वहाँ करीब 30 लाख रुपए का माल वहाँ से मिला था हमको। अच्छा, ये सर आज जो खेत में कार्रवाई हुई है इसमें इनका जो बड़वा की फर्म है सदाबहार बीज भंडार, इनका क्या विशेष योगदान है? इनका ये यहाँ कंपनी के सिनर्जी सीट्स जो कंपनी के जो एरिया मैनेजर है इनके द्वारा बताया गया कि इसमें यहाँ के ये CNDF है यहाँ पर, है ना, तो वगैरह ये कर रहे हैं ये इनका। तो ये कार्य उन्हीं के द्वारा किया जा रहा था सर पैकिंग का। अब ये क्योंकि यहाँ पर तो ये देख रहे हैं एरिया मैनेजर है जो सुमेर सिंह करके है, है ना। ये कुछ रेपर भी मिले सर सदाबहार बीच के? हाँ, कुछ वगैरह देखे थे, रेपर वगैरह कुछ थे उनके। तो इसमें किस प्रकार की कार्रवाई होगी सर? अब यहाँ पर हमने वैधानिक कार्रवाई तो कर दी है, बीज अधिनियम 1966 के अंतर्गत हमने उनका गोडाउन वगैरह सील कर दिया है, है ना। अब वो रिपोर्ट जो है जिला कार्यालय भेज देंगे और उनसे जवाब मांगा जाएगा। सर इस खेत की जानकारी आपको कैसे प्राप्त हुई? इस लोकेशन हमको बताया गया था सर, SDM साहब ने बताया था कि इस जगह का है, इसलिए हम फिर देखते देखते आए यहाँ पर। तो ये लोग फिर यहीं थे, तो हमने फिर यहाँ आके देखा, तो ये बीज वगैरह कुछ हमने देखा था यहाँ, फिर
यहाँ पर ये जो था खेत वाले सर, इसमें क्या खेत मालिक को भी नोटिस जारी होगा? खेत मालिक को भी नोटिस जारी किया जाएगा। किसका खेत है सर, मालूम करो आप? खेत का भी नाम क्या नाम बताया है, गोविंद करिए, गोविंद भाई से खारम कर लिया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।